हेलो फ्रेंड्स, तो आज नेशनलिज्म इंडिया पार्ट टू लेकर के आपके सामने मैं सुमित सिंह आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही, जहां पे हम लोगों ने इतिहास को एक बहुत हास्यपद तरीके से और बहुत ही इमोशनल तरीके से हमने समझने की कोशिश की। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से हमारे देश में जो सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था, उसके क्या इम्पैक्ट थे, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसमें लोगों का सहयोग क्या था, गांधी के विचारों से कौन सहमत थे, कौन उनके विचारों से सहमत नहीं थे, रॉलेट एक्ट क्या था, इस एक्ट के साइड इफेक्ट्स क्या थे। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि जलियांवाला बाग कांड किस प्रकार से हुआ और उसमें किस प्रकार से सैंडर्स ने निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। नई पार्ट एक नए टॉपिक को आपके सामने लेकर के आया है और यह है व्हाई नॉन कोऑपरेशन, अर्थात कि कोऑपरेशन क्यों नहीं, अर्थात असहयोग का क्या अर्थ है और असहयोग क्यों। गांधी जी ने सन 1909 में अपनी किताब हिंद स्वराज में एक्सप्लेन किया, बताया कि भारत में जब अंग्रेज आए तो उनको भारतीयों का पूर्ण सहयोग मिला और इस सहयोग के करने की वजह से, इस सहयोग के मिलने की वजह से धीरे धीरे ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ उन्होंने अपने पैर को पसारा, अपने पैर को जमाया और न सिर्फ जमाया, वहां पर वो रूल भी करने लगे। उनके बिजनेसमैन से रूलर बनने के सफर में सबसे बड़ा साथ उनको यहाँ के सिटीजन्स का मिला, या कुल मिलाकर के हम ये कहें कि अगर सिटीजन्स का सहयोग अगर ना मिले तो हम कहीं से भी इस चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हम किसी भी, इस तरह से हम किसी भी चीज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में आए हुए मेहमान को सिर्फ मेहमान रहने दिया जाए, उसे अत्यधिक प्रेम और सत्कार न दे करके ऐसा न महसूस कराया जाए कि ये घर उसी का है, तो शायद वो अपने घर पर आएगा, दो चार दिन रहेगा और चला जाएगा। हुआ कुछ ऐसा कि अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापारी बन के आए और जब उन्होंने देखा कि यहाँ के अलग अलग जो किंगडम्स हैं, उसके जो राजा महाराजा हैं, जो शासक हैं, वह लोग व्यसन में लिप्त हैं। व्यसन का मतलब आप समझ सकते हैं लग्जरियस लाइफ में, प्रजा से दूर अपनी व्यसनता में वह इस कदर से लीन थे, इस प्रकार से वो लोग डूब गए थे कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ तरह तरह की लग्जरियस चीज़ों के प्रति उनकी आकर्षण बढ़ रही थी। और चूंकि यूरोपियन कल्चर से ब्रिटिश आए थे, उन्हें अच्छी तरह से पता था कि इन्हें किस प्रकार से इनके घर में बनने वाली शराब को वाइन से रिप्लेस करना है और किस प्रकार से कल्चर्ड वुमन से एक ब्रिटिश वुमन को रिप्लेस करना है। यानी कि राजाओं को वो सारे साधन मिलने लगे जिनसे उनकी जो सोच थी, जो आराम करने की सोच थी, जो यासी करने की सोच थी, वो पूरी हो और साथ ही साथ उन्हें अत्यधिक बिना किसी काम के धन देने की ऐसी लालसा उनके अंदर में पैदा कर दी गई जिसकी वजह से वह एक जगह टिक गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स पर यकीन करना शुरू किया, अर्थात हिंद स्वराज में ये सारी कहानियां बताई गई है। और महात्मा गांधी ने यह भी उल्लेख किया कि अगर जिस प्रकार से वो हमारी सहयोग से यहाँ के रूलर बने, अगर उसी प्रकार से हम उनको सहयोग देना छोड़ दें तो शायद वो हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे और हमारे देश में स्वराज स्थापित हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। अर्थात इस लाइन का मतलब हुआ, सन 1909 में महात्मा गांधी ने अपने किताब में लिखा था कि ब्रिटिश का रूल यहाँ पर स्थापित सिर्फ इंडियंस के सपोर्ट की वजह से हो सका। यदि इफ इंडियंस, अगर इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर मना कर देंगे सहयोग देने से, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स, ब्रिटिश का रूल खत्म हो जाएगा विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, और स्वराज पुनः वापस आ जाएगा। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट, किस प्रकार से असहयोग आंदोलन को, एक असहयोग को एक आंदोलन का रूप देना था। यहां पे यह लाइन जो है, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट, यानी कि लोगों के असहयोग को एक आंदोलन का रूप देना था और आंदोलन के रूप के लिए सबसे प्रमुख था सभी सेक्टर्स में महात्मा गांधी की इस बात को, इस विचार को लोगों तक पहुंचाना सभी इंडस्ट्रीज में, ताकि लोग धीरे धीरे सहयोग करना छोड़ दें और उनके पास मैन पावर की कमी हो, उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो, उनके ऑफिसेज बंद हो, उनके स्कूल्स बंद हो, उनकी गारमेंट फैक्ट्रीज बंद हो, और इस प्रकार से जब उनको बिजनेस में इतना सारा लॉस आएगा
डेफिनेटली वो हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे। क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत? आगे नहीं। गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। और हमेशा की तरह इस समय भी आप देख रहे होंगे वर्ष 2020-21 ये जो दौर रहा है, इसमें आपने देखा होगा अवार्ड वापसी का एक क्रेज चला है। भाजपा सरकार के विचारों से जो लोग इत्तेफाक नहीं रखते उन लोगों ने अपने तरह तरह के अवार्ड्स को वापस करना शुरू कर दिया। तो अवार्ड्स तो आपकी करनी से आता है, आपके मेहनत से आता है, फिर वो चाहे कोई भी सरकार हो अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपको अवार्ड्स मिलेगी। तो मेरे ख्याल से देश में जो लोग अवार्ड को आज की दौर में वापस कर रहे हैं वो लोगों का विरोध करने का तरीका सही नहीं, क्योंकि अवार्ड एक सम्मान होता है और सम्मान को कभी वापस नहीं किया जाता है, और सम्मान हमें कर्म से मिलता है। दूसरी चीज, उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि भाइयों मैं यह समझता हूं कि अंग्रेजों को अगर भगाना है तो इस नॉन कॉपरेशन को हम लोग चरणबद्ध तरीके से करते हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। पहला स्टेज क्या था? पहले स्टेज में जितनी अवार्ड्स आपको मिली हैं उन सारी अवार्ड्स को आप इज्जत से उनको वापस कर दीजिए। किसी को उन्होंने टाइटल दिया था, किसी को महामाना कहते थे, किसी को कुछ कहते थे, किसी उनके टाइम में सर एक टाइटल बड़ी अच्छी, जैसे आपने सुना होगा अंग्रेजों में सर वर्ड बड़ा सम्मान से लिया जाता है, और जो आज आप हमें सर कहते हैं या हम किसी अपने सीनियर को सर कहते हैं, ये वास्तविकता में ये सर शब्द लाने वाले भी अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने सम्मान में सर शब्द निकाला, तो जितने लोगों को मेडल्स, ट्रॉफीज और वो तमाम सम्मान मिले थे उनको कहा कि आप उनके दिए गए सम्मान को वापस कर दीजिए। चलिए दूसरा, एंड अ बायकॉट ऑफ सिविल सर्विस। बायकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, कि हम तुम्हारी सिविल सर्विसेज में अर्थात प्रशासनिक जो भी सेवा है हम उसमें भागीदारी नहीं लेंगे। मतलब ना हमें डीएम बनना है, ना एडीएम बनना है, ना तहसीलदार बनना है, ना कुछ बनना है। आर्मी यानी कि सेना, पुलिस यानी कि पुलिस कोर्ट्स यानी कि कचहरी, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि वहां के विधानमंडल और विधान परिषद, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स। अर्थात उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि काम करो उनकी सिविल सर्विसेज का बहिष्कार करो, पुलिस का बहिष्कार करो, कचहरी का बहिष्कार करो, स्कूल का बहिष्कार करो, इंडस्ट्रीज का बहिष्कार करो, उनके जो भी असेंबली वगैरह है उसका बहिष्कार करो। ये था उनका स्टेज वन। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज फॉरेन गुड्स यानी कि विदेश से आने वाली सामान होगा। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रिजन अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कप में वुड बी लॉन्च्ड थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टू एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। सन 1920 के दौर के वह बात को यहाँ पे दर्शाया गया है जहाँ पे अली साहब और हमारे गांधी जी देश में कुल मिलाकर के भ्रमण किए और लोगों को जागरूक किया इस मूवमेंट के लिए, कि ये मूवमेंट क्या है, इस मूवमेंट में हमें करना क्या है, असहयोग होता क्या है और किस प्रकार से पूर्ण स्वराज को पाया जा सकता है। इसके लिए जाहिर सी बात है यहाँ पे अली साहब का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि आपको पता हो कि मुस्लिमों में अली ब्रदर्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी और खिलाफत के साथ मुसलमानों का सपोर्ट बहुत अच्छा खासा था, इसलिए एक नेशन के एक झंडे के नीचे महात्मा गांधी ने अपने विचारों के अंतर्गत इन दोनों लोगों को ले लिया और फाइनली लोगों के सामने जाने लगे और असहयोग को बताने लगे। मेनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स, दे वर रिलक्टेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920। अब कांग्रेस के अंदर में भी कई सारे लोग इस प्रपोजल से जो थे कहीं ना कहीं परेशान थे, चिंतित थे, और उनकी चिंता का वजह यह था, एक तरफ चुनाव था नवंबर 1920 ईस्वी में, यहाँ पे नवंबर 1920 की बात की गई है, उस समय में काउंसिल में एक इलेक्शन होने वाले थे जिसको कांग्रेसी जो थे पूर्णतः बायकॉट करना चाहते थे यानी कि बहिष्कार करना चाहते, एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। और एक तरफ उनका ये भी डर था कि कहीं इस मूवमेंट की वजह से पिछली बार की तरह इस बार भी कोई बहुत बड़ा हिंसा का, कोई उस तरह का हिंसात्मक प्रक्रिया न हो जाए। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। कहते हैं कि सितंबर से लेकर दिसंबर के महीने के बीच में कांग्रेस के अंदर में गृह मतलब अंदरूनी कलेश और बहुत सारी चिंता तनाव का दौर चल रहा था। फॉर अ व्हाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। और ऐसा लगा
कि जो लोग इस आंदोलन के सहयोगी थे और जो विरोधी थे उनकी एक साथ बैठ करके कोई वार्ता नहीं हो रही। और जाहिर सी बात है किसी भी विवाद का अंत वार्ता से होता है, जब वार्तालाप होती है तो विवाद अपने आप सुलझने लगते हैं। अच्छा, इसके बाद फाइनली एट द कांग्रेस सेशन इन नागपुर इन दिसंबर 1920 अ कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्क आउट एंड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज एडॉप्टेड। और फाइनली इन लोगों की लड़ाई झगड़े के बीच में एक समय ऐसा भी आया कि कॉम्प्रोमाइज का दौर आया, और उसका था समय था दिसंबर 1920 जब नागपुर में ये मीटिंग हुई और वहां पर उन लोगों में कॉम्प्रोमाइज कराया गया और इस नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को सबने अडॉप्ट किया, मतलब अधिग्रहित कर दिया। How did the movement unfold? अब movement unfold कैसे हुआ? Who participated in it? कौन कौन से लोग इसमें participate किए थे? How did different social group conceive of the idea of non-cooperation? अलग अलग समाज के वर्ग के लोग कैसे इस non-cooperation के idea से जुड़ते चले गए? एक छोटा सा तस्वीर हमारे एनसीईआरटी की किताब में ये बहुत अच्छे से आपको दर्शा रहा है कि उस दौर में भी लोग एकत्र होकर के आंदोलन कर, और ये आंदोलन सही था। आजकल का आंदोलन क्या है, पीएम साहब पंजाब जा रहे हैं, बीच में ताली लगा करके उनके गड़िया रोक दे रहे हैं, सर ये आंदोलन है, इसको आंदोलन कहते हैं। मतलब कि किसी भी तरह से एक लोकतंत्र में लोकतंत्र का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री होता है। पंजाब सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये यहाँ से जा रहे हैं, इनका रैली रोकने के चक्कर में पूरा एकदम चारों ओर से सब किसानों को, और वास्तविकता वो किसान थे, किसान ऐसे होते हैं, ये कैसे किसान है भाई? अरे असली किसान को देखना है तो गांवों में जाकर के देखिए, बेचारे यूरिया खाद के लिए परेशान है, वो घर घर घूम रहे हैं, कर्ज मांग रहे हैं। असली किसान ऐसे थोड़ी होते हैं कि साल भर अपना खेत छोड़ करके जाके दिल्ली में बैठ जाएंगे, वो किसान नहीं है, वो बिजनेसमैन है, सिर्फ हमको दिखाया जा रहा किसान। हमको तो कभी कभी लगता है कि किस तरह ये किस दिशा में हमारे देश को लोग ले जा रहे हैं, देखना चाहिए था उन लोगों को। लगता है इतिहास अच्छे से नहीं पढ़े। ये वीडियो फिर से उनको टैग करूंगा ट्विटर पे कि टैग करूंगा कि देखो शर्म करो कि हमारे देश को लोगों ने कितने बलिदान के बाद खड़ा किया है और तुम लोग देश के प्रधानमंत्री को टपकाने में लगे हुए। बकायदा एक जर्नल में लिखा हुआ है, एक जर्नल में लिखा हुआ है कि जिस तरह से राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसी प्रकार से इसी तरह के किसी रैली में मोदी को भी उड़ाने की साजिश चल रही है। और मोदी जैसा योग्य और यशस्वी प्रधानमंत्री देश को दोबारा मिलेगा नहीं, इसलिए ये सब चाह रहे हैं किसी तरह से इनको ले जाएं। अब मोदी को, हमारे प्रधानमंत्री को इस चैप्टर में लाने का क्या मकसद है? इतिहास में पढ़ा रहा हूं तो ये भी हमारे एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री है। भारत विश्व में जो छवि अब तक की सबसे अंतरराष्ट्रीय अच्छी छवि है, हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि वो भाजपा शासन में माननीय मोदी जी की वजह से। अगर मोदी जी कांग्रेस के भी होते मैं तो भी सपोर्ट करता, क्योंकि वो नेता बहुत अच्छे हैं, उनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, उनकी वर्किंग पैटर्न बहुत अच्छी है, उनका काम करने का तरीका। जितने प्रधानमंत्री आते हैं सोनिया गांधी को देख लीजिएगा तो पढ़ पढ़ के भाषण देते हैं, इन सब को याद नहीं रहता कि बोलना क्या है, कुछ भी बोल देंगे, कहीं सोना निकाल देंगे सब है? और ये है अपने विचारों को एकदम स्पष्ट रूप से रखते हैं, देशवासियों के इनको चिंता है सब चीज का। अभी किसान का आंदोलन का सारा लॉ बिल वापस हो गया, इसके बाद किस बात का आंदोलन था पंजाब में है, हमारे समझ से परे। आपको समझ में आ रहा है? अब तक किसान का आंदोलन तो क्लियर था कि भाई फलना फलना बिल हो गया इस वजह से वो नाराज है, पंजाब में जो आंदोलन हो रहा था वो किस लिए था, ये भी हमारे इस चैप्टर में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जाने कि हमारे देश में कितनी बड़ी गलतियों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें इन लोगों का बायकॉट करना चाहिए। महात्मा गांधी के विचार तो थे कि यूरोपियन कल्चर को यहाँ से खत्म करना है, स्वराज को वापस लाना, इसके लिए जगह जगह घूम के लोगों को जागरूक कर रहे थे। अगर आज हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है तो आज के नेता को वो गलतियाँ सामने लानी चाहिए, बतानी चाहिए, हमें जागरूक करना चाहिए, न कि आंदोलन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को घेरना चाहिए। बात ये, इसीलिए मैंने ये छोटी सी कहानी आपको बताई कि तब के लोग अपने विचारों को सत्य और अहिंसा के पथ पर रखते थे, मार खा जाते थे, गांधी जी कितना चपेड़ा खाए थे किसी को मालूम भी नहीं है। इसीलिए तो बोले कि कोई अगर तुम्हारे एक गाल पे मारे तो दूसरा दो तीसरा दो चौथा दो, मर जाओ मार खाते खाते, लेकिन गाल देते रहो। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। और अब आजकल क्या है, गाल देने से पहले मार दे रहे हैं, सब साउथ वाले स्टाइल में हवा में आदमी रह जा रहा है, गलत है। देखिए चाचा झंडा लगाने की कोशिश कर रहे, नीचे उसको सीढ़ी खींच लिया, तो फोटो में दिख रहा है ना, झंडा होता ना ऊपर लगाना, इनको नीचे ही अटक गए।
तो ये भी था उस जमाने में, अब जेसीबी उसे भी नहीं था, अभी नया टेक्निक आया है। अच्छा चलिए, तो दूसरे चैप्टर की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब इसका मतलब यह है कि उसी आंदोलन के अंदर में सबका अपना अपना एक अलग अलग स्टैंड किसी चीज को लेकर, कोई कुछ विचारों के साथ, कोई कुछ तरीके से। अब जैसे अगर आपको अभी कह दिया जाए कि किसी फिल्म को आप अपने स्टाइल में बनाए, तो आपकी एक्टिंग आपके स्टाइल में होगी, डायलॉग्स कॉमन हो सकते हैं, लेकिन आपका तरीका अपने हिसाब से होगा। तो इस मूवमेंट के अंदर में अलग अलग ग्रुप के अपने अपने स्टैंड थे। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। तो बच्चों 1921 याद रखिएगा, जनवरी का महीना 1921, यानी कि आज से 101 साल पहले, 2022 आज से 101 साल पहले नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन। अब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत को जोड़ने का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें अली ब्रदर्स का भी सहयोग था, हिंदू मुस्लिम को एक करना था, एक मूवमेंट के अंदर लाना था, इसलिए इस पर्टिकुलर मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कहा गया। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से कोई भी चीज नई लॉन्च होती है, तो सब लोगों का नजरिया, सबकी अपनी अलग एस्पिरेशंस होती है उस चीज के प्रति, उस प्रकार से बहुत सारे समाज के अलग अलग वर्ग के लोग इसमें जुड़े और उनकी अपनी एस्पिरेशंस थी इस मूवमेंट को लेकर के। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, लगभग सभी लोगों ने स्वराज को समझा और उस आवाहन को समझा। कॉल का मतलब आवाहन, जो गांधी जी ने और अली ब्रदर्स ने आह्वान किया था देश को कि हमें नॉन कॉपरेशन करना है, अब स्टेज अनफोल्ड होना शुरू हो गया। बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। अब जाहिर सी बात है कि आप घर से ये मूड बना के चले हैं कि आज जो मिलेगा उसको देखते ही पहले देंगे ये हाथ खींच के, हैं, और अचानक से आप जाते जाते कोई आदमी आपके सामने आता और खुद ही गाल ला के खड़ा कर दे, तो थोड़ी देर के लिए आप भी एक बखा जाएंगे, यार ये तो मैं सोच के चला था ये कैसे हो गया, तो आप अपने पैटर्न को बदल देंगे। कुछ लोग लड़ने के मूड में चले थे, कुछ लोग खून बहाने के मूड में चले थे, कुछ लोग ये सोच के चले थे कि चलो देखते हैं गांधी जी जो कह रहे हैं, अगर गांधी जी पहले सरेंडर बोल देंगे तो हम लोग भी धीरे से खींच लेंगे। और हर बार की तरह गांधी जी को नया आइडिया आया ही था, तो इस बार भी इस नया आइडिया का क्या इम्पैक्ट हो सकता था, उनके सम्मान में मैं ये चैप्टर बताया हूँ। गांधी जी को कोई समझा नहीं है, इसलिए मैंने इतिहास में उनको समझाने की कोशिश की वास्तविकता में फादर ऑफ नेशन क्यों थे। पिता, अब जैसे मानिए पिता आगे जाके चल रहे हैं कि बेटा आगे गड्ढा हो सकता, मैं आगे आगे चलता हूं, अगर मैं गड्ढा में गिर जाऊंगा तो तुम पीछे रुक जाना, ठीक है भाई साहब भी चले। बापू हमारे एकदम लाठी उठी लेकर के चलते थे, किसी मूवमेंट में आगे आगे चलते थे, जब वो दलदल में जाते थे कहते तो आओ तो आओ तो सब लोग आओ, अब हमको घींच के इसमें से निकालो, उसमें वो निकल जाते थे, लोग अड़े जाते, ये होता था। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब महात्मा गांधी के सम्मान में मैं क्या बोलूं, खैर देश के वीर सपूत थे, ऐसा कई बार हुआ। हम पूरा कहानी अभी खोल देंगे इस चैप्टर में, हम एक चीज बताएंगे आपको, सुनिए। द मूवमेंट इन द टाउन, अब शहर की बात करते हैं। बापू अब तो चल दिए थे अपना अपनी आइडियोलॉजी के साथ, ऊपर से खिलाफत मूवमेंट का उनको सपोर्ट था, लोग मिल गए। इनका कहने का मतलब था कुछ भी हो जाए हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, विचारों से मैं इत्तफाक रखता हूँ। लेकिन जब आप कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करते थे बापू, अगर रहते तो मतलब सामने सामने पूछता, तो आपको बैकअप प्लान भी तो रखना चाहिए था। ये देश जिस पे अंग्रेजों का पहले से शासन है, लोग हमारी चीजों पे कब्जा करके बैठे हैं, हम नॉन कोऑपरेशन कर देंगे, हमारे घर में माँ है, पिता है, उनकी दवाई का खर्च, बच्चे हैं, उनकी शिक्षा, घर का राशन, सब कुछ, एक मूवमेंट के अंदर में हम कितनी चीजों की कुर्बानी दे सकते हैं। घर में एक दो साल का बच्चा दूध की कमी को नहीं समझ पाएगा, न उसे आजादी से मतलब है, न उसे गुलामी से मतलब है, उसे पेट भरने से मतलब है। फिर किसी भी मूवमेंट को लॉन्च करते वक्त इंसानियत को एक ताके पे क्यों रख दिया जाता था, क्यों ये नहीं सोचा जाता था कि जितनी आजादी जरूरी है उतनी ही जरूरी है लोगों का सर्वाइवल भी, क्योंकि लोग जिंदा रहेंगे तभी तो आजादी या गुलामी का मतलब समझेंगे। लगभग हर बार ऐसा लगता था, इनके हर मोमेंट में ऐसा लगता था कि जैसे अनप्लान्ड, और देखिएगा ये भी वापस होगा, अभी देखिएगा। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, और सिटी में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जैसे मैं। Thousands of students left government controlled schools and colleges and headmaster and teachers resigned. अब सबसे बड़ा अटैक किस पे पड़ा, शिक्षा पे। अंग्रेजों को अच्छी तरह से पता था कि भारत में भारतीय कम शिक्षित हैं, कम शिक्षित लोगों को ललचाना, बहलाना, फुसलाना बड़ा आसान होता है।
अगर बच्चे पढ़ाई इस मोमेंट की वजह से अपना छोड़े, कॉलेज छोड़े, हायर स्टडीज को छोड़े, तो इसका क्या इंपैक्ट हमारे यूथ पे पड़ता है, ये भी एक सोचने का विषय। बिंदु नंबर एक, पॉइंट नंबर वन, कि एजुकेशन छोड़ा गया। जो लोगों ने जॉब छोड़ा, मैं उनसे इत्तफाक रखता हूँ कि अच्छी बात है आपने उनकी नौकरी छोड़ दी, लेकिन जिन बच्चों ने उस समय शिक्षा छोड़ी, शिक्षा कितना महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा हमारे जीवन का कितना बड़ा अंग होता है, इस चीज को भी सोचना चाहिए था कि इस आंदोलन से बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं होती, क्योंकि अगर शिक्षित समाज होता तो लड़ने के नए तरीके भी ढूंढे जा सकते थे। पहला पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। दूसरा पॉइंट, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। लीगल प्रैक्टिसेस में जब लॉयर्स, अगर आप सोचिए कि अगर वकील वकालत छोड़ दे और एक निर्दोष आदमी कचहरी में खड़ा है तो कौन उसे बचाएगा? लॉयर्स को जो यहां पर वर्ड क्या है कि गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो जायज प्रैक्टिस वो करते थे, लोगों को बचाने का काम, फंसे हुए लोगों को निकालने का काम, असहाय लोग जो जेल में बंद है उनको बाहर बेल दिलाने का काम, ये सब काम लॉयर्स करते थे। आप समझ सकते हैं कि उस समय में कितने इंपॉर्टेंट ऐसे भी लोग रहे होंगे जो बेकसूर रहे होंगे, और लॉयर्स की उनकी प्रैक्टिस को छोड़ दिए जाने के कारण वो बेचारे न चाहते हुए भी जेल में बंद रह गए होंगे। तो पॉइंट नंबर टू, आंदोलन के साइड इफेक्ट नंबर टू। साइड इफेक्ट नंबर थ्री, द काउंसिल इलेक्शन वेयर बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास वेयर द जस्टिस पार्टी द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स फेल्ड। अब देखिए, काउंसिल के इलेक्शन जो थे उसको बायकॉट किए गए ज्यादातर प्रोविंसेस में। आपको प्रोविंसेस का बताइए, उस समय प्रोविंस थे, कोई देश और स्टेट तो था नहीं, एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास की बात, जहां पर जस्टिस पार्टी द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण, यानी कि वो ब्राह्मणों से अलग एक पार्टी थी, फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर एंड समथिंग यूजुअली ओनली ब्राह्मण हैड एक्सेस टू। और आपको यहां पे ब्राह्मणों की एक नीति आपको हम बता दें कि आजादी से पहले हमारे देश में ब्राह्मणों का पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा जबरदस्त वर्चस्व था, और उस वर्चस्व को काटने के लिए जस्टिस पार्टी ने मद्रास में ऐसा सोचा कि अगर हम इस चुनाव को लड़ेंगे और जीत जाएंगे तो हमारे पास भी वो पावर होंगे जो सिर्फ अभी ब्राह्मणों के पास है, और हम भी अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर थ्री है कि मद्रास के नॉन ब्राह्मण जस्टिस पार्टी ने यह सोचा कि चुनाव लड़ना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब चुनाव से हम काउंसिल में पहुंचेंगे तो अपने विचारों को रख पाएंगे। The effects of non-cooperation on the effect economic front were more dramatic. Foreign goods were boycotted, liquor shops picketed, and foreign cloth burned in huge bonfires. Up friends, यहाँ पर इसके इफेक्ट की बात हो रही कि इसका फ्रंट में इफेक्ट बड़ा ड्रामेटिक, बड़ा नाटकीय अंदाज में हुआ। एक कपड़ा अपना फेंक रहे हैं, उघार हो जा रहा, रोडों पे कपड़ा अपना जलाना शुरू कर दिए हैं, कुछ भी जला दे रहे हैं, लीकर का शॉप बंद कर दिए, क्योंकि आपको भी पता है कि महुआ और तमाम देसी चीज़ों का पीने वाले लोग अंग्रेजी पीने लगे थे, तो अंग्रेजी भी बंद कर दिए, विस्की वाइन के शॉप्स बंद होने लगे, यानी लीकर के शॉप्स बंद होने लगे, यानी कि उनको कहीं ना कहीं जो ये आबकारी की जो आमदनी उनकी थी वो भी इफेक्टेड हुई, कपड़े जलाए जाने लगे, वो तमाम सारी चीज़ें करी जाने लगी। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 से 1922, लगभग आधे कपड़े, जींस वींस शर्ट टी शर्ट जितने जैकेट्स वैकेट्स जो यूरोपियन कल्चर था, इन इस 1921 से 1922 के बीच में लगभग आधा कर दिया गया। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ से 57 करोड़, यानी कि जो 102 करोड़ की वैल्यू उस जमाने में थी उसकी वैल्यू 57 करोड़ रह गई। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फिनांस फॉरेन ट्रेड, अर्थात बहुत सारी जगहों पे बड़े बड़े व्यापारियों ने विदेशी सामान और वहां की मुद्रा का ट्रेड करना बिल्कुल रिफ्यूज, यानी कि मना कर दिया। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेंट क्लॉथ्स wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. और यही कारण था महात्मा गांधी के चरखा प्रोग्राम से जो खादी का उद्योग है या देश के अपने कपड़े का उद्योग है उसको ऊपर उठाना, यानी कि कहा जाए भारत के सबसे मतलब बापू न सिर्फ एक बढ़िया एक हमारे रिवोल्यूशनरी थे, हमारे क्रांतिकारी थे, बल्कि वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे। ये सब करने से हमारे देश के जो लोग बनारस में बनारसी साड़ी में कारीगरी कर रहे हैं, जो बिहार की मधुबनी में पेंटिंग कर रहे हैं, और तमाम कलाकारी करने वाले वो लोग जो लोगों की कला को पहचान नहीं मिल रही है, वो लोकल लोग जब उनके कपड़ों को खरीदेंगे, वो साड़ियाँ पहनेंगे, वो धोती पहनेंगे, वो कुर्ते पहनेंगे, तो उनको भी वो पहचान मिलेगी और उनके कला का सम्मान होगा, और इस प्रकार से वो अपनी इंडियन काम को करके अपनी वो रोजगार को आगे बढ़ाएंगे। But this movement in the city is gradually slowed up
फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। देखिए क्या बोले थे, अब शुरू हो गया। अब धीरे धीरे शहरों में ये मूवमेंट जो था वो डाउन होने लगा। खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव, खादी का कपड़ा जो था काफी एक्सपेंसिव था, देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट एफोर्ड टू बाय। हम खुद आज तक नहीं खरीद पा रहे हैं खादी का, तो उस समय में लोग क्या खरीद पाए, काफी महंगा होता है। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य याद आया कि एक प्रदर्शनी लगी थी, तो वहां पर कुछ चटाइयां रखी थी मैट्स, तो मैं वहां पर गया, कुछ चटाई थी, कुछ कालीन रखे हुए थे, तो एक बड़ा बढ़िया सा कालीन दिख रहा था, ठीक ठाक बहुत बढ़िया था। मैं उसका दाम पूछा तो बोला 5,000। एट द सेम टाइम एक और कालीन रखा था, मैंने पूछा कितना, तो बोला 1500। तो मैंने बोला क्या अंतर है, कहा सर ये 5,000 वाला ना हाथ से बनाया हुआ है, 1500 वाला मशीन से। तो आर्थिक युग उस दौर में भी रहा होगा, लोगों के पास पैसे कमी रही होगी, तो सस्ती चीजें लोग अफोर्ड कर पाते हैं और महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं भी वो 1500 वाला लेकर के घर गया, 5000 वाला नहीं खरीद पाया। ठीक उसी प्रकार से उस समय में ब्रिटिश जो टेक्सटाइल थी वो मशीनरी के इस्तेमाल से कपड़े बनाते थे जो कि काफी सस्ते होते थे। और चूंकि महात्मा गांधी ने हमारे देश में, मतलब जिसको आज के डेट में आप मेक इन इंडिया के नाम से जान रहे हैं, मेक इन इंडिया उन्होंने शुरुआत की, इस मेक इन इंडिया में कई लोगों के घर के बर्तन भी बिकने लगे, भोजन की किल्लत होने लगी, कपड़ा तक पहनने के लिए पैसा नहीं बचा। मुद्दा समझिएगा, खादी क्लॉथ ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ, अब ये हो गया। हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, और इस प्रकार से कपड़े की कमी में वो कितने दिनों तक इस आंदोलन को जारी रख पाए। Similarly, boycott of British institution posed a problem for the movement to be a successful alternative Indian institution has to be set up so that they could use in place of British ones. जाहिर सी बात है कि आपने शिक्षा तो लोगों की रोक दी, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज, अपने स्कूल बनाने पड़ेंगे उस लेवल पे कि लोगों की शिक्षा पुनः वहां पर जारी हो सके। जो मैंने इससे पहले कई पॉइंट्स उठाए उनमें से अब पॉइंट्स आपके सामने आ गए। They were slow to come up, और जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत समय लगता है और बहुत पैसे की जरूरत है। So students and teacher began trickling back to government schools. Yes, यानी कि इनका आंदोलन फ्लॉप हो गया। जो मैंने प्रश्न उठाया उसका उत्तर यहीं पर आपकी एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, और ये एनसीईआरटी किताब मोदी सरकार में नहीं लिखी गई, शुरू से यही कहानी है। ऐसा नहीं कि बाद में कोई अभी मेरी वीडियो पे कोई केस करे तो कहे कांग्रेस वाले के समय में दूसरा किताब था, ये भाजपा की अपनी किताब, ऐसा कुछ नहीं। ये देश की किताब है, ये देश का इतिहास है। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने विचार इस लोकतंत्र में रखने के लिए स्वतंत्र हूं। मुझे भारत माता से प्रेम है, अपने देश के लोगों से प्रेम है, यहाँ की संस्कृति से प्रेम है, लेकिन यहाँ के चोर नेताओं से नफरत है। जो लोग कभी नहीं समझते हैं कि न जाने कितने लोग चाबुक की मार खा करके भूखे प्यासे रह करके इस देश को आजाद कराए थे, वो चोर लोगों से नफरत है, चित्थड़ों से। खैर कसम से अगर भारत का संविधान मुझे इजाजत देता और सब एक लिस्ट बन जाती कि सब कितने जो चोरों की सभा में कितने लोग हैं, और अगर कानून मुझे इजाजत देता तो सबको उड़ा देते, सबको उड़ा देते, एक को टुकड़ा नहीं छोड़ते। ये सब गंदी मछली है, एक मछली तालाब खराब करती है, सब लाखों हैं, करोड़ों हैं मछली। इन सब का इस देश की राजनीति, हमारे देश कभी कभी तो हमें समझ में आता कि लोकतंत्र की एक ऐसी परिभाषा है कि आप जानते हो कि ये डकैत है, चोर है, इस पे 10 केस चल रहा है, फिर भी उसको टिकट देते हो। पब्लिक के सामने वो जाकर के बताए ना कि मैंने इतना लूटा है, मैंने इतनी हत्याएं की हैं, मुझे वोट दो, वो डरा कर वोट लेगा या अपने सपोर्टर्स को वोट दिलवाएगा। ऐसे लोग और उनके रिश्तेदार, उनके खानदान के लोगों को बैन करना चाहिए जो कि राजनीति में कभी ना आ सके। ऐसे लोगों को समाज की हर अच्छी चीजों से वंचित करना चाहिए ताकि इनकी आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि हम इस तरह का गलत अगर काम करेंगे समाज में तो हमें कभी स्थान नहीं मिलेगा। पहले के समय में अगर कोई कुकर्म करता था तो गांव के लोग उसके घर का हुक्का पानी बंद कर देते थे, भोजन पानी बंद कर देते थे, उसके घर जाना आना बंद कर देते थे। और आज का दौर ऐसा है कि गुंडे राजनीति में आ जाते हैं, लोग उनके चौखट को जाकर चूमने लगते हैं, उनको एहसास होता है। इससे जो मासूम नए युवक हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस होता है कि चलो भाई हम भी 2-4 मर्डर कर देते हैं, हमको भी राजनीति में जगह मिल जाएगी। और इसी कारण से हमारे नई यूथ बर्बाद हो रही है, बड़ा तकलीफ है, क्या बताऊं, कैसा चैप्टर है, पूरा अंदर का सब निकाल दे रहा है। रिबेलियंस इन द कंट्री साइड, अब रिबेलियंस का मतलब, रिबेलियंस का मतलब अब अनविद्रोही कंट्री के साइड में, मतलब अपने देश। फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, इट ड्रीव इनटू फोल्ड ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स व्हिच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द इयर्स आफ्टर द वॉर। अब जाहिर सी बात है भाई, इसमें कुछ लोग तो विद्रोही होंगे,
पहले तो वार खा गया था उनके देश को, मतलब हमारे देश को पहले से तो वार की चोट में हम लोग जी रहे थे। टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था, चीजों के दाम डबल हो चुके थे, ऊपर से ये नया नया आइडिया, ये आइडिया की वजह से स्थिति ये हो गई थी कि वो भुखमरी के कगार पे आ गए थे। उनका घर चलने की स्थिति में नहीं था, उनके घर में तमाम वो सारी समस्याएं हो रही थी जिसकी वजह से वो लोग इस आंदोलन के साथ चल नहीं पा रहे थे। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। अवध यानी कि जहां हम लोग इस मिट्टी में खड़े हैं, यहां पर बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे हु हैड अर्लियर बीन फिजी एज एन इंटेंटुडर लेबरर, अर्थात बधुआ मजदूर। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे और अर्लियर मतलब जो थे वो फिजी में थे जहां पर उन्होंने बधुआ मजदूरी की थी, मतलब स्लेव वाली लेबरर वाली बात। द मूवमेंट हियर वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। अर्थात बच्चों उनकी लड़ाई, अवध प्रोविंस की लड़ाई उन तालुकदारों से थी, उन ठेकेदारों से थी, उन जागीरदारों, उन जमींदारों से थी, जो लोग हमारे लैंड के बदले में हमसे हाई रेवेन्यू सिस्टम या हमसे हाई टैक्सेस लेते थे, लगान वसूलते थे और वो तमाम चीजें करते थे जो चीजें हमारे लिए निकलती। फ्रेंड्स यहां देखिए, बेगार लेबर दैट विलेजर्स वेयर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। अर्थात आज आप किसी को तीन चार पटाखा मार के लाइए, चल हमारे झाड़ू पोछा कर और शाम उसको मार के भगा दीजिए, उसकी मेहनत का इस्तेमाल करें लेकिन उसको एक रोटी का सहारा ना दे, उसको पैसा ना दे, वो लोग थे बेगार। अब यहां पे एक एक्टिविटी, इफ यू वर अ पीजेंट इन उत्तर प्रदेश इन 1920, सोचो आप देखिए जैसे मैं अंदर से क्रांतिकारी बन गया हूं ना, ये आपको भी बोल रहा है कि बनो और देखो क्या होता है। इफ यू वर अ पीजेंट इन उत्तर प्रदेश 1920 में अगर आप किसान होते, हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्डेड टू गांधी जी कॉल फॉर स्वराज, गिव रीजंस फॉर योर रिस्पॉन्स। अब मैं बताता हूं अगर मैं सन 1920 में किसान होता और हमारे ऊपर इतनी आफत विपत्ति आती, तो सर्वप्रथम उस समय अगर मैं एक पिता होता या एक बेटा होता या एक भाई होता, तो जिस रिश्ते से होता मैं सर्वप्रथम देश के नागरिक होने के नाते अपने परिवार को एक सेफ साइड में ले जाकर के आंदोलन का हिस्सा बनता। क्योंकि किसी भी किताब में या कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए आप अपने परिवार को हाशिए पे डाल दें। जाहिर सी बात है कि जो परिवार में वो छोटा छोटा बच्चा है जिसके लिए भूख ही आजादी है, जिसके लिए पेट भरना ही आजादी है, जिसके लिए शिक्षा का कोई मायने नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, उस बच्चे के लिए सर्वप्रथम भोजन की इंपॉर्टेंस मानी जाएगी। और ऐसी स्थिति में उनको फूड क्लॉथ एंड शेल्टर की सेफ साइड में ले जाकर मैं आंदोलन का हिस्सा बनता। ये तो मेरी अपनी ओपिनियन है। तो मैं उनको कहता कि बाबू मैं आ रहा हूं लेकिन थोड़ा सा पहले इनको एडजस्ट कर लूं, फिर मैं आपके साथ स्वराज का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। हो सकता है सबके अपने अपने विचार होंगे, कुछ लोग पहले से बहुत मजबूत रहे होंगे, उनके पास पैसा रहा होगा, इतना पैसा रहा होगा कि वो 10 साल लड़ सकते हैं, वो सीधे इनके बोलते पर झंडा लिए होंगे और कूद गए होंगे घर से छत पर से। और कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे कि जिन लोगों ने प्लानिंग किया होगा कि हम धीरे धीरे इस चीज को करते हैं। तो खैर, तो अब यहां पर देखिए, द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिप्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। अर्थात यहां पर सीधे सीधे तौर पर ये पीजेंट का जो मूवमेंट, किसानों का जो आंदोलन था, ये डिमांड किया रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी जो वो टैक्स उनसे लिया जा रहा है उसको कम करने का, मतलब नाम मात्र का। एबोलिशन ऑफ बेगर यानी कि आप हमसे काम कराओगे तो हमें पैसे दोगे, बिना पैसे के हम काम नहीं करेंगे। एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, और ऐसे लोग जो जमींदार, बड़े बड़े जमींदार थे, उनका बायकॉट करना जो हमारे जमीनों को कब्जिया देते थे। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बांस वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन। बहुत सारे प्लेस पे नाई धोबी लोग का एक समिति बनाई गई पंचायत के द्वारा और डिप्राइव किया गया लैंडलॉर्ड से, मतलब कि वो जो लोग फ्री में उनसे कपड़े भी धुलवाते थे, बाल वगैरह कटवाते थे और उनको किसी भी प्रकार से कोई भी धनराशि नहीं देते थे। 1920 जून के महीने में जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस।
जवाहरलाल नेहरू को जून 1920 में अवध की याद आई, बोले कि चलो अब देख लेते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है, लोगों से उनकी तकलीफ को जान लेते हैं, थोड़ा लेट से जानते थे। बाय अक्टूबर द ओध किसान सभा वाज सेट अप एंड हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। अक्टूबर में अवध की एक किसान सभा जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित की गई। बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के साथ बाबा रामचंद्र जी भी और कुछ और लोग जुड़ गए। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. और एक महीने के अंदर लगभग इस अवध किसान सभा की 300 शाखाएं गांवों और आसपास के रीजन्स में फैल गई। So when the non-cooperation movement began with the following year, the effort of Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. और जैसे कि non-cooperation movement शुरू हुआ होगा उस समय में इन किसानों के इस पर्टिकुलर आंदोलन को भी उसमें ज्वाला मिल जाएगी, उसको ललक एक सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे कि इनकी भी जो प्रॉब्लम्स है इसी नॉन कॉपरेशन का हिस्सा बन करके सॉल्व आउट हो जाएगी। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ। यहाँ पे पीजेंट का यानी किसानों का आंदोलन इस तरीके से डेवलप हुआ कि कांग्रेस की लीडरशिप जो थी इससे नाखुश थी, हमेशा रहती। As the movement spread in 1921, और जैसे ही आंदोलन 1921 में बढ़ा, the houses of तालुकदार and merchants were attacked. और जैसे ही आंदोलन बढ़ा, तुरंत ईटा पत्थर बम उम लेकर के सब जितने तालुकदार और ये सब लोग थे उनके घरों पे हमला शुरू हुआ। ये भी गलत है। बाजार सुअर लूटेड, लोग बाजार को लूटने लगे। जिसके घर में एक टीवी नहीं था वो दो दो टीवी ले लिया, एक अपने लिए एक बाहर के लिए। जिसके पास कपड़ा नहीं था वो कपड़ा लूट लिया, वगैरह वगैरह। एंड ग्रेन्स वोट्स वर टेकन ओवर, और मतलब ये अनाज अनाज का जहाँ भी वो नहीं होता है सिस्टम, पूरा वहां से कब्जा अब्जा कर लिए, सब ले लिए। इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीसेंट दैट गांधी जी हैज डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्स वेयर टू बी पेड एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पुअर। आपको यहाँ पर कुछ लोग लोकल लीडर्स में गांधी जी का नाम झूठो सब सांधी है कि गांधी जी का यहाँ कोई टैक्स नहीं देना है और ये जो जमीन जो है वापस सबको कर देना है, जबकि अभी अंग्रेजों की तरफ से इसमें कोई क्लियरेंस नहीं आई थी। The name of Mahatma was being invoked to section of all action and aspiration. अब यहाँ पे जितनी भी ये घटनाएं हो रही थी इसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के नाम को डाल दिया गया, जबकि वास्तविकता में महात्मा गांधी के विचार हिंसात्मक नहीं थे, चोरी वाले विचार नहीं थे। वो बताते हैं एक बार वो खुद चोरी किए थे महात्मा गांधी बचपन में। आप उनकी स्टोरी अगर पढ़ेंगे तो मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में कहा जाता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन शायद उन्होंने एक बार बताया था कि बचपन में उनसे भी ये गलती हुई थी और वो बचपना था, अपने बचपन से वो चीज़ों को सीखे। सोर्स बी, अब ये देखिए एक सोर्स है, उस जमाने का कोई सोर्स है, वहां से एक कॉलम लिया गया है जहां पे कहा गया कि ऑन 6 जनवरी 1921 द पुलिस इन यूनाइटेड प्रोविंस फायर्ड एट पीजेंट्स नियर रायबरेली। कहा जाता है 6 जनवरी 1921 के दिन रायबरेली के नजदीक में किसानों पर मतलब जो है गोली चलाई गई। जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू प्लेस ऑफ फायरिंग, जवाहरलाल नेहरू उस जगह पर उस मौके पर जाना चाहते थे जहां पर ये गोली चलाई गई, बट वॉज स्टॉप्ड बाई द पुलिस, और हमेशा की तरह उस जगह पर जाने से पुलिस उनको रोक ली। एक्टेटेड एंड एंग्री नेहरू एड्रेस द पीजेंट्स हु गैदर्ड अराउंड हिम एंड दिस इज हाउ ही लेटर डिस्क्राइब द मीटिंग। और इस चीज से एकदम मतलब चिड़चिड़ाए हुए, गुस्साए हुए, एकदम बौखलाए हुए जवाहरलाल नेहरू ने वहीं पर लोगों को अपनी भाषण एड्रेस किया और लोग उनके आसपास में गैदर हो गए। दे बिहेव्ड एज ब्रेव मैन काम एंड अनरफल्ड इन फेस ऑफ डेंजर। आई डोंट नो हाउ दे फेल्ट बट आई नो वट माई फीलिंग्स वर फॉर अ मोमेंट, माई ब्लड वॉज अप, नॉन वायलेंस वॉज ऑलमोस्ट फॉरगेटेन। एक समय के लिए अब यहाँ पर नेहरू जी भी इस निर्ममता को देख करके उनके भी खून में उबाल आ गया, थोड़ी देर के लिए वो भी नॉन वायलेंस जैसी चीज़ों को भूल गए कि इतना अत्याचार हमारे देश में आप कैसे कर सकते हो, हमारे लोगों पे आप इतना जुल्म कैसे कर सकते हो। बट फॉर अ मोमेंट ओनली, कुछ क्षण के लिए, द थॉट ऑफ द ग्रेट लीडर हु बाय गॉड्स गॉडनेस हैज सेंट टू लीड अस टू विक्ट्री एंड केम टू मी and I saw the kisan seated and standing near me, less excited, more peaceful than I was, and the moment of weakness passed
एंड आई स्पोक टू देम इन ऑल ह्यूमैनिटी ऑन नॉन वायलेंस आई नीडेड द लेसन मोर देन दे एंड दे हेटेड मी एंड पीस डिसअपीयर्ड पीसफुली डिस्पर्स्ड कोट बाय सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी। अर्थात ये सर्वपल्ली गोपाल और जवाहरलाल नेहरू द्वारा की स्थिति मतलब उनके द्वारा बोली गई एक स्लोगन है जहाँ पे वो कहे कि थोड़ी देर के लिए तो मतलब जाहिर सी बात है उबाल आ गई, गुस्से में आ गए, हमें लगा कि ये काफ़ी गलत है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये समझ में आया कि अहिंसा ही एकमात्र मार्ग है। हम शांत हो गए, हम लोगों को शांति से एड्रेस करने लगे और धीरे धीरे पब्लिक का भी रोष कम हुआ, वो हमारे आसपास में बैठ गए, कुछ लोग खड़े रहे और शांतिपूर्वक इस आंदोलन के विषय में चर्चा जारी होने लगी। मतलब कि इसमें दो बातें समझ में आती है, इसमें दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये कि अगर कहीं युद्ध हुआ है, कहीं आज जैसे अभी कोई बात हो जाती है हमारे देश में तो हम लोग तुरंत उबल जाते हैं, लेकिन सोचने का विषय यह है कि शांति से उसमें देखा जाए कि इसमें क्या कमियां हो गई, किस वजह से हुआ और हम शांति से इसको डील कैसे कर सकते हैं। अब जैसे देखिए किसान आंदोलन में दो तरह के लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो फंडिंग कर रहे थे ताकि हमारे देश का माहौल खराब रहे। कुछ दिन पहले जब NRC का मुद्दा आया था तो शाहीन बाग में फंडिंग हो रही थी, बिरयानी बन रहे थे, तमाम चीजें दी जा रही थी, ये कौन लोग थे जो उनको फंडिंग दे रहे थे? क्या एक देश में ये जानना जरूरी नहीं है कि कितने लोग हमारे शरणार्थी हैं, कितने लोग दूसरी जगह से यहां आकर के हमारे वोटर बन गए हैं, कितने लोग उस राशन के हिस्सेदार हैं जिनमें उनका राशन है ही नहीं? सरकार ने यह सोचा कि इस प्रलयकारी काल में कोविड जब बढ़ा है तो चलो ये जानना भी बेहद दिलचस्प होगा कि कितने हमारे शरणार्थी हैं और वास्तविकता में जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके रहने की वजह से उनके कितने हकों को मारा जा रहा है। इस चीज के जवाब में सरकार ने ये कहा कि हम भाई जांचेंगे लोग कहां कितने कैसे, और इस चीज का विरोध कौन लोग किए? इस चीज का विरोध वो लोग किए जिनको डर था सच्चाई सामने आने का, फेक वोटर्स के पकड़े जाने का, अपनी सरकार को खो देने का। यानी कि राजनीति इतनी तुच्छ हो गई है कि अब लोग देश को बेचने के लिए तैयार हैं। अगर इसी तरह से रिफ्यूजीज हमारे यहाँ आते रहेंगे तो एक दौर ऐसा आएगा कि हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन ही गायब हो जाएगी और वो हमें हमारे देश पर बाहर के होकर के भी धीरे धीरे, यही हुआ था 200-250 साल पहले जब अंग्रेज भी इसी तरह से शरणार्थी की तरह व्यापार करने आए थे और पैर पसार के देश के मालिक बन बैठे, और एक बार फिर हमारे कुछ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग उनको सपोर्ट करके दोबारा से भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिस भारत के लिए लोग इतना लाचूता खाए। और ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस वीडियो के जरिए भी अपने व्यूअर्स को एक संदेश देना चाहता हूं कि नेताओं के बहकावे में कम और अपनी आत्मा की ज्यादा सुने, जो आपको सही लगता है वो करें, न कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के देश में किसी भी तरह का तनाव का माहौल पैदा करें। न कोई राजनीतिक पार्टी अच्छी होती है न बुरी होती है, सिर्फ उनके विचार अच्छे और बुरे होते हैं। विचारों से प्रभावित होना है तो होए और अगर नहीं होना है तो मत होए, ऐसे में भी आप देश को गाली देना छोड़ दें, क्योंकि देश की गलती नहीं है ऐसे नवा पुलों को पैदा करना, देश में तो देश ही है। तो ये था बच्चों आज एक सेकंड पार्ट के जरिए आप लोगों के सामने मैंने इस चीज को दर्शाया। जैसा कि वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था इसको तीन खंड में मैं बांटूंगा। पहला पार्ट, इससे पहले मैं आपको साइड में एक डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा जहां पे मैं सीधे उसको अटैच कर दूंगा, पार्ट वन वहां से आप देखेंगे, पार्ट टू जो अभी आपके सामने मैं बना रहा हूं और इसकी अंतिम पार्ट जहां पे मैं इसको क्लोज करूंगा वहां पे मैं आपको सारी चीजों का कंक्लूजन और इतिहास के कुछ अन्य क्वेश्चंस भी आपको जो बोर्ड से रिलेटेड हैं या जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं उसको बताऊंगा। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।